ये यहाँ आप तीनों लोग मिलके क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? बारात आ रही है। किसकी बारात आ रही है? इतना सारा मटर क्यों? मटर अंकिता की बारात है ना, तो वही चना बिनना है हम लोग को। अच्छा, चना बिनने का तुमको काम मिला है? अंकिता की बारात आ रही है तो हाँ, सही बताओ क्यों कर रहे हो? तो इतना सारा चना थोड़ी ना खाएंगे, तो भिगोया हुआ है ना, तो इतना सारा बना लेंगी। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता है कि बना के रख लेंगे। सही बताइए काहे के लिए है? देखो यार, इतना बड़ा कुकर लेके, इतना बड़ा गंजा लेके बैठी है। बीस लोग तुम्हारे घर को, तुम्हारे घर को जिला घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, कितना बनाओगी पता है? हमारे घर के काम काजी लोग बोलते जाते हैं, कोई मेरे हाथ कहाँ जा रहा है? देखो ये लड़की रोज नई नई हेयर स्टाइल करती है। देखो देखो, ये देखो, रोज इसका एक्सपेरिमेंट चलता है। और मैंने आज ये हेयर स्टाइल की, मम्मा कहती है नहीं बताऊंगी क्या बोल रही थी। ये देखो कुर्सी लगा के बैठी है, कोई काम नहीं है इनके पास, कोई काम नहीं, धाम नहीं है इनके पास। चलो पूजा करनी है, अंधेरा हो जाएगा मंदिर के लिए। ये देखो पीछे कितनी सारी धान, कितना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है ना। फोटो ले, चलो फोटो क्लिक करा ले, उसके बाद वीडियो। ये है हमारे घर की पूजे दिन। लाइट चलाओ यहाँ की। ये हमारा मंदिर, रोज शाम को हम लोग पूजा करने आते हैं। लाइट हो गई खराब। लाइट नहीं जलेगी क्यों? ये बड़ा बल्ब खराब हो गया है क्या? यहाँ पे कल लोगों का भाई आया था पूजा करने, तो उसको बिच्छू ने काट लिया था। आउच, मम्मी आक्रमण हो गया हम लोगों के ऊपर। पहले पारुल की ड्यूटी आकर के मेढक भगाए, उसके बाद पूजा करे। भगवान जी को मत मार देना तुम। भगवान कहेंगे कि ऐसे नहीं कहा है बुट्टू, तो हमारी पूजा करे ना आवा, हम बिना पूजा पाठ के ठीक हैं। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अब अच्छी हो गई हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले एक हफ्ते से, तो कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया, और अभी वीडियो शूट करने बैठी भी हूँ, मतलब कैमरा ऑन किया भी है, तो अंधेरा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा आ रहा है कैमरे में। और हम लोग यहाँ मंदिर में आए, मंदिर आए हैं। मेरी छोटी वाली बहन पूजा कर रही है मंदिर में, मैं बैठ के यहाँ पे पंचायत कर रही हूँ आप लोगों से। सॉरी, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। ये वाली बग्गिया, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया, अंधेरा हो गया तो कुछ भी दिखेगा नहीं। हम लोगों के घर से थोड़ी सी दूर में हम लोगों की ये मंदिर बनी हुई है। रोज़ शाम को यहाँ पे कोई ना कोई घर से पूजा करने आता है, मोस्टली यही आती है, और इसके साथ कल कभी मैं आ जाती हूँ। और कल हम लोगों का एक छोटा भाई आया था पूजा करने के लिए, तो उसको कल बिच्छू ने काट लिया था, इसलिए मैं आज मंदिर के पास गई नहीं, बाहर बैठी हूँ। और वो आई है तो सबसे पहले मेढक और छिपकली भगाई है। तुम पूजा में ध्यान दो, तुम वीडियो मत बनाओ, समझ में आया ना? इधर देख के हंस रही हो जो। चलो मैं भी आरती करूंगी। हमारी पूजा खत्म हो गई और मैं घर जाएंगे। नहीं पूजा, एक पारुल लोग अगर यही रहना हो तो नमस्ते। नहीं रहेंगे। रात में पता नहीं कौन कौन आता होगा यहाँ। ताला बंद हम करें, फिर अपना वीडियो बनाए, मैं जा रही हूँ। ओके।
ओके अरे नो प्रॉब्लम बाय क्योंकि आज आई आपने डरेंगे आपने आज चिकली बहुत रहती है चलो कल महाराने चलेंगे हम लोग कल से नवरात्रि शुरू हो रही है सबको हैप्पी नवरात्रि हैप्पी नवरात्रि चलो बंद करो लॉक करो गेट लॉक हम लोगों का चेहरा लॉक बाय गाइस यहाँ बैठ गई दीदी कहाँ है ये देखो इसका सीरियल आ रहा है ये सीरियल देखेगी ये लड़की चलो दीदी के पास चले बैठे पंचायत हम लोगों का पंचायत करने का टाइम हो रहा है भाई दीदी रात दीदी की स्कूल रातें भी नहीं लगती है दीप जाओ बुला के लाओ अच्छा लो यार तुम देखती हो सब नहीं देखना चाहिए गाइस हम लोग आए थे दीदी से पंचायत करने का टाइम है हम लोगों के अभी मतलब हम लोग तीनों की बहनों की बिचिंग करने का टाइम है लेकिन दीदी सो रही है हम लोग क्या करें चलो सीरियल कंटिन्यू सीरियल कंटिन्यू गुड्डन हमसे ना हो पाएगा वही ज्यादा अच्छा है दो मिनट का कोर्स नहीं पूरा हो पाया मैं घर में यार सब मेरे को बहुत चिल्ला रहे हैं इस तरह की हेयर स्टाइल की हूँ मैंने कि बीच से निकाला हुआ है तो मेरे को अच्छी लग रही है यार सब लोग फालतू में डांट रहे हैं मुझे आज मैं ऐसे ही करूँगी जैसे मुझे मन पड़ेगा मैं वैसे ही करूँगी चलो किचन में चलते हैं क्योंकि आज क्या हो रहा है क्या कर रही हो आप ये केला की सब्जी के लिए मसाला पीस रही हूं केले की सब्जी बनेगी आज वाओ तेरी फेवरेट फेवरेट तो नहीं है हो गया पर अच्छी बना दोगी तो खा लेंगे कहाँ चूल्हे में बनाएंगी मेरे घर में आजकल लोगों को चूल्हे का खाना पड़ा ये भगवान हाँ मैं ये बोल रही थी कि मेरे घर में आजकल लोगों को चूल्हे की सब्जी बड़ी पसंद आ रही है आप कारण बता सकती हो क्यों कहा मैं ही बता देती हूँ क्योंकि भैया मैं बहुत अच्छा बनाती हैं इतना अच्छा बनाती हैं कि नाक में इनकी मिर्ची लग गई है तो आप चूल्हे में बना रही हो इसका मतलब मेरी छुट्टी हो गई छुट्टी क्या हो गई कुछ सामान ले चलो कुछ नहीं मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने टाटा बाय बाय सी यू हाँ क्या सामान पहुँचाना है और ये बाल्टी क्यों रखी हो यहाँ पे क्या सामान पहुँचाना है सामान बताओ पहले जल्दी बताओ पहले सामान बताओ अरे छन्नी कढ़ाई तेल मसाला और क्या और क्या तो और क्या और कुल मिला के किचन में काम करो जाओ कहीं मत बाकी क्या लाओ क्या नहीं लाओ वो सब हम धीरे धीरे बताते रहेंगे मसालदानी ये मसालदानी होता है कि मसालादानी होता है ना मम्मी मसालदानी होता है कि मसालादानी होता है जो मन पड़ जाए वही जाने की जा सकती हूँ ना अभी मैं जा सकती हूँ ना मेरा काम खत्म मैं चली कहाँ पढ़ाई करने बुलाओ तो तुम भूल जाओ भूल जाओ मम्मी को बुला जाओगी तुम्हें बात बात पे लाठी डंडा कैसे उठा लेते हो आजकल तुमको बुला रही है तो तुम भूल का ही नहीं रही हो क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करने से फुर्सत नहीं है हम मारो तो तुमको मैं पक्की कर दूंगा क्या बात होती है पक्की कर दूंगा पागल इंसान क्या है मम्मी जेल में कैदी बनी हो आप क्या है बताओ एक कप चाय बनाओ थोड़ा तेज बोलो लोगों को सुनाई दे फिर बोलो 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 क्या बोली हो इनको रात के 9 बजे चाय पीना है इनको रात के 9 बजे चाय पीना है ओके चलो चाय बनाओ मतलब मैं खुशी मना के गई थी कि मेरी छुट्टी हो गई किचन से लेकिन नहीं मेरी छुट्टी नहीं हुई है किचन से मेरे को चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए तो मम्मी कुछ बर्तन ही नहीं मिल रहा है इसमें कोई बर्तन नहीं है क्या मम्मी का चाय बनाना सफल हुआ हम लोग मिलने गए थे तो दिखा दो ना मैंने सो रही थी सो के जगी देखो मुझसे मिलने आई है कितनी अच्छी इनके लिए चाय बन रही है चाय आपके लिए नहीं बन रही थी मतलब बन मम्मी के लिए रही थी लेकिन हो गया आपको दे देंगे गरीब आदमी
मम्मी दीदी दादा मैं चाय नहीं पीती। ये तुमने टेबल का क्या हाल बना दियो, इसका कवर वो कहाँ चला गया, तुम ये पसीने पसीने क्यों हो गए होती, क्या कर रहे हो तुम, पुश्ती लड़ रहे थे क्या किसी से? नहीं। तो तुमको पसीने क्यों आ रहे? मेरे को बहुत डर लग रहा है। किससे तुमको बहुत डर लग रहा है? मुझसे क्यों डर लग रहा है? तुम आओगी अब मुझसे बात करोगी? तो बात करूंगी तो तुमको डर क्यों लग रहा है? मेरे को बात करना तुमसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। खुले आम बेइज्जती करते हो यार तुम तो मेरी। सुनाओ। आँख में नहीं कहीं भी गुस्सा दूंगा, इतना गुस्सा है तो पिराएगा ही। अच्छा व्हाट इज पिराना? पिराना मतलब आ मम्मी मम्मी। वो तो मैं ऐसे भी चिल्ला लेती दादा मैं मार दूंगी। एक सेकेंड रुको थोड़ा सा, ये क्या नया यहाँ पे, ये तुम लैपटॉप को ब्रश कराते हो क्या? और इसके तो सारी धज्जियाँ, इस ब्रश की तो सारी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। पुराना ब्रश है मतलब तुम ये लैपटॉप ब्रश ये करते है ब्रश। अच्छा ये है ब्रश, ये नया ब्रश। अच्छा ये असली, अच्छा तुम सारे ब्रश अभी तक तो ब्रश सारा बाथरूम में हुआ करते थे। तुम्हारा मुंह घसूंगा मैं इससे अभी। मेरा मुंह अच्छा है ठीक है ना, मेरा मुंह बहुत अच्छा है, तुमको ये ब्रश कराने की जरूरत नहीं है मेरे मुंह को। क्या आंटी जी वाली स्टाइल चोटी की हो? अरे यार आज की हूँ ना तो इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, सब सुना रही हो तो मम्मा का डायलॉग मार देता हूँ। अच्छा मतलब ठीक लग रही है, ऐसा कोई बहुत अच्छी थी तुम? हाँ मैं बहुत अच्छी थी अपने हिसाब से। हाँ तुम्हारा बेइज्जती करना मेरा जरूरी है ना? ठीक है हो गया। हाँ तो हो गया, मेरे को पढ़ाई करनी, चलो तुम ये कुर्सी खाली करो। आए क्या खाली, इसमें नाम लिखा है मेरा। सुन नाम लिखा है किस कुर्सी में? मैं कहीं कुर्सी खाली करूँ, मेरे को पढ़ाई करना है, मम्मी से छुट्टी लेके आई हूँ आज मैं। अरे हो गया, तुम बड़ा पढ़ाई करेंगे, सुझाओ आगे बढ़ो। हाँ तो सड़ा हुआ मुँह लेके आप क्या कहना चाहेंगे बताइए उन लोगों को? मैं उन लोग को कुछ नहीं कहना चाहूंगा, तुम भी कहना। अरे तुम जाओ यार, ये तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं पेंट करते हैं क्योंकि मुझे अभी से थोड़ी कुश्ती करनी पड़ेगी और रोज रोज दिखाना नहीं चाहिए ना कुश्ती, समझ रहे हैं ना? तो कुश्ती खाली करानी पड़ेगी क्योंकि यही पे बैठ के पढ़ाई करूंगी। कुश्ती कह लो, धुनाई कह लो, जो कहना हो कह लो, ज्यादा नहीं ठीक है ना, ज्यादा नाटक मत करो तुम। बोलना तो वही है तो अब चाहे तुम है ना भाई है ना WWE का लोग तुमको जवाब देंगे एक दिन, तुम ध्यान रखना इस बात का। बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं मिलते भी है कि नहीं, तुम बोलो लास्ट डायलॉग बोलो तुम। आदाब सलाम सत श्री अकाल, हो गया ठीक है इतना ही, नमस्ते। बाय।